Hello everyone, today in this video we will be discussing another case law related to capacity to contract, and the name of the case is खान गुल वर्सेज लखा सिंह 1928 लाहौर हाई कोर्ट का ये केस है। इस केस के फैक्ट देखो फटाफट। इसमें लखा सिंह जो यहाँ पे प्लेंटिफ है, ये एक लैंड खरीदता है डिफेंडेंट से, और यहाँ पे डिफेंडेंट है माइनर, ठीक है। तो जो प्लेंटिफ है लखा सिंह, इसको 17,500 रुपये देता है, कुछ पैसे कैश में देता है और कुछ पैसे प्रोमिसरी नोट, मतलब कि फ्यूचर में पेमेंट के थ्रू ये उसको कुछ टाइम के बाद पेमेंट कर देता है। लेकिन सारी पेमेंट होने के बाद भी ये डिफेंडेंट अपनी ज़मीन का पोजीशन लखा सिंह को नहीं देता है। जब ज़मीन का पोजीशन नहीं देगा तो डेफिनेटली ये इसको कोर्ट में घसीटेगा। तो लखा सिंह बोलता है चल भाई ठीक है, आ जा कोर्ट में। तो जब कोर्ट में जाते हैं तो लखा सिंह ने बता दिया कि सर लैंड का मैंने पोजीशन, इस जो डिफेंडेंट है इसको मेरे को लैंड का पोजीशन देना था, इसने पोजीशन नहीं दिया और मैंने इसको रुपये दे दिए हैं। तो डिफेंडेंट बोलता है सर आई एम माइनर, तो इसलिए माइनर जो भी माइनर होते हैं उनका जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड नहीं माना जाता, और जो भी माइनर होता है माइनर के केस में कोई भी, क्योंकि जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वॉइड एब इनिशियो होता है, इसलिए मैं इसको चवन्नी भी नहीं दूंगा और ना ये कॉन्ट्रैक्ट है, ज़मीन भी मेरी, जो पैसे दिए वो भी मेरे, मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, ये बोलता है डिफेंडेंट। तो कोर्ट बोलती है चल वे हट, तेरे को देने पड़ेंगे, क्योंकि जो फॉल्स डिक्लेरेशन ऑफ एज तूने किया है, जो डिफेंडेंट है इसने अपनी एज को छुपा लिया। देखो इस केस में और प्रीवियस जो केस था मोहरी बीवी केस में, उस केस में जो प्लेंटिफ था उसने अपनी एज छुपाई थी, ठीक बात है, यहाँ पे भी इसने अपनी एज छुपाई हुई है, लेकिन फ़र्क ये है उस केस में जो सामने वाली पार्टी थी उसको नॉलेज थी कि भाई जो जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं ये बंदा अभी माइनर है। लेकिन इस केस में जो ये प्लेंटिफ लखा सिंह है, लखा सिंह को पता नहीं था कि जो डिफेंडेंट ये चालबाज है, ये अभी माइनर है, इसने झूठा लिखवा लिया कि हाँ मैं अभी मेजर हूँ। तो इस केस में तो कोर्ट के सामने के ये पॉइंट आया, क्या हम जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 115 है उसके थ्रू इस्टोपल, मतलब इस्टोपल का मतलब होता है यदि somebody has declared कि मैं मेजर हूँ तो उसको मेजर ही माना जाएगा, जब मेजर माना जाएगा तो चल भाई इसको पैसे दे दे, इसको लखा सिंह को। तो ट्रायल कोर्ट का जो वर्डिक्ट था यही आया कि क्योंकि आपने फॉल्स डिक्लेरेशन करी है इसलिए आपको जो भी हम इस्टोपल मानते हुए आपको मेजर डिक्लेयर करते हैं और जो भी पैसे हैं आपको इसको देने पड़ेंगे वापस। तो जैसे ही इसने ट्रायल कोर्ट ने बोल दिया तो डिफेंडेंट के खिलाफ, तो डिफेंडेंट पहुंच गया लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट के सामने दो इशू थे, पहला डॉक्ट्राइन ऑफ इस्टोपल और डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस्टोपल का मतलब है क्या हम इसको मेजर ही माने जब इसने डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट, यदि ये माइनर है और या ये मेजर भी है तो क्या हम इसको जो पैसे जिसने दिए हैं क्या इसको वापस लौटाएंगे टू द बेनिफिशियरी पार्टी, डिफेंडेंट प्लेंटिफ भूल जाओ, क्या पैसे इसको वापस दिए जाएंगे। प्रेस्टिट्यूशन का मतलब जो भी ओरिजिनल कंडीशन थी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। तो इस केस में कोर्ट का पहला केस था डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल क्वेश्चन था उसके सामने। तो जो कोर्ट, ये कोर्ट के सामने जो जज, जो भी ट्रायल्स, जो भी दायरे प्ली आई, उसमें सभी ने यही प्रूव किया कि जो एज थी ये इसने फॉल्स रिप्रेजेंट की। इवन दो कोर्ट ने एक केस का हवाला दिया वसिंदा राम वसी सीताराम, जिसमें कोर्ट ने इस्टोपल को लाउड कर दिया गया था, मतलब यदि आप मेजर हो तो आपको मेजर ही माना जाएगा, जो भी ट्रायल कोर्ट ने बोला था वसिंदा राम वसी सीताराम केस में भी वही जजमेंट थी, तो इसलिए इस्टोपल माना जाना चाहिए। प्लस कोर्ट ने एक और रेफरेंस यूज़ किया इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 115, उसने बोला कि जो माइनॉरिटी के ऊपर ये जो सॉरी नॉट माइनॉरिटी माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्या इस्टोपल डॉक्ट्राइन। और फिर ये बोलते हैं जो धर्मोदत्त घोष वर्सेस ब्रह्मोदत्त वाला जो केस था, उस केस में इवन दो दिस वॉज नॉट डिस्कस्ड, इसको ढंग से उन्होंने डिस्कस नहीं किया, जो प्रिवी काउंसिल थी उन्होंने इसके ऊपर बहस नहीं करी, उनका जो बहस का जो मुद्दा था दैट वॉज समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है वहाँ पे इस्टोपल का है, एज का है, तो इस चीज़ का हवाला देते हुए डॉक्ट्राइन ऑफ इस्टोपल को इसने जज ने ये बोला, बेशक उसने झूठ बोला लेकिन जो डॉक्ट्राइन ऑफ इस्टोपल है
वो जनरली माइनर के लिए यूज नहीं होती, ठीक है, तो इस कारण ही विल बी कंसिडर्ड एज माइनर, ठीक है। अब ये माइनर तो है, क्या इसको पैसे देने पड़ेंगे? सेक्शन 64, यदि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी बेनिफिशियरी पार्टी उसको वापस लौटाओ। 65 में भी ये लिखी हुई है, यदि वॉइड एग्रीमेंट है तो जो भी बेनिफिशियरी पार्टी है उसको वापस पैसा लौटाओ। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दो हैं ये, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक तो पुराना है 1877 का और एक है 1963 का। इसका सेक्शन है 41 और नए का सेक्शन है 33। तो जो जजमेंट आई थी वो जजमेंट आई है 41 के तहत, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई ड्यू टू द जस्टिस, क्योंकि उसमें एक जस्टिस वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, आप देखोगे मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको, उसमें बाय द टर्म जस्टिस वी आर फेवरिंग दैट दिस पर्सन दिस डिफेंडेंट मस्ट पे द अमाउंट टू लखा सिंह, ठीक है, इसको आपको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का सारा लिया है। यदि आपने ये सारा नहीं लिया होता तब आपको ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने झूठ का सारा लिया है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का सारा लिया है, इसलिए आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। तो इन्होंने इसको तो अलाउ कर दिया लेकिन इसको अलाउ नहीं किया, क्या मैं ठीक बोल गया, इसको भी अलाउ कर दिया, ठीक है। ओके देन वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट। इसमें इन्होंने रेस्टिट्यूशन को अलाउड कर दिया, स्टेपर को अलाउ नहीं किया, तो इस पॉइंट का भी याद रखना। अभी हम नेक्स्ट केस में जो पढ़ेंगे उस केस में इन्होंने दोनों को अलाउ कर दिया। तब वैसे देखा जाए तो इसके तीन केस हैं, पहला इसका मोहरी बीवी वाला, तीसरा सॉरी सेकंड खानगुल वाला, और एक तीसरा केस और आएगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इन्होंने स्टोपल को नहीं माना और ना ही रेस्टिट्यूशन को माना, किस केस में? पहले केस में। और जो खानगुल वाला केस था इसमें इन्होंने एस्टेपल को नहीं माना लेकिन रेस्टिट्यूशन को उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन यूज़ करी है, ठीक है। मोरी वीबी में दोनों नहीं माने थे, खानगुल में पहला, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कस किया ही नहीं उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जस्ट ये बोल दिया कि हाँ माइनर है तो नहीं देने पड़ेंगे, माइनर के लिए आपको जो ये एक्ट है इसका सारा हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये केस था, होप आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय।